Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Yes. Okay, great. Last lecture में आपको टीचर ने क्या पढ़ाया था, किसी को याद है? Yes, हमने पढ़ा था ट और ठ को कैसे लिखते हैं. Okay, तो आज हम उसके आगे का सीखेंगे. जैसे उसके आगे क्या क्या आता है, ड, ढ और न को कैसे लिखते हैं. Okay, तो अभी मेरे पास एक कार्ड है, देखो इस कार्ड में दिखाई दे रहा है सबको. यहाँ पे मैंने वो पूरी लाइन लिखी है, ट ठ ड ढ और न. अभी इसमें से क्या लिखा है, आप लोगों ने क्या सीखा है, ट और ठ को कैसे लिखते हैं. उसके बाद में जो ये तीन लेटर है वो हमारे लिखने अभी बाकी है. तो आज हम सीखेंगे ड ढ और न को कैसे लिखते हैं. चलो फिर देखते हैं कैसे लिखना है. ओके, देखो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है ड ढ और न. तो अभी हम देखेंगे इसको कैसे लिखना है. ओके, ध्यान दो अच्छे से. क्या करना है, स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, वन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, वन हाफ सर्कल एंड लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ. व्हाट वी हैव टू से, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ड. ड से क्या क्या होता है लिखना है और बोलते जाना है, ड ड से क्या क्या होता है. अभी देखो नेक्स्ट हमारा व्यंजन है ढ. ढ को कैसे निकालते हैं, देखो सेम लिखना है, सेम और ऐसे करके ऐसे वन स्टैंडिंग लाइन, ऐसे सी ड्रॉ करनी है, फिर इसको छोटा सा सर्कल देना है. यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ढ ड ढ. अभी न, न कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे और एक स्टैंडिंग लाइन, इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन. दिखा है सबको, समझ में आया, ड ढ और न. तो आपको क्या करना है, आज एक पूरा पेज ड निकालना है, एक पूरा पेज ढ निकालना है और एक पूरा पेज न निकालना है. ये क्या है आज का आपका होमवर्क. ओके, समझ में आया सबको कैसे निकालते हैं ड ढ और न को. तो आपको आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करना है अच्छे से बुक में, और क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है. ओके, क्या क्या लिखना है, एक पेज पे ड, दूसरे पेज पे ढ और तीसरे पेज पे न. ऐसे करके तीन पेज आपको आज क्या करना है, आपका होमवर्क. समझ में आया कैसे करना है. ओके, वेरी गुड. ओके, तो आप लोगों ने सीखा, अभी टीचर ने कैसे सिखाया आपको ड ढ और कैसे लिखते हैं. ओके, तो आपको क्या करना है, सेम क्लास वर्क एक पेज पे और सेम एक पेज पे होमवर्क करना है. जैसे आपने टर्ट हो का कंप्लीट किया है, वैसे ही आज का पूरा होमवर्क आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. तो मैं आज आपको एक एक्टिविटी बताने वाली हूँ, वो एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है और उसका पिक मुझे सेंड करना है. अभी हमारा एक पूरा लाइन हो गया है, जैसे कि ट ठ ड ढ न, आपको पता है इसको कैसे लिखते हैं, पता है ना सबको. तो आज क्या करना है, ऐसे ही एक पेज पे ये लाइन पूरी लिखनी है और उसके नीचे, जैसे कि हमने ट से पांच नए शब्द सीखे थे, ठ से पांच नए शब्द सीखे थे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पेज लेके ये पूरा ड्रॉ करना है. और आपको जो पिक्चर अच्छा लगता है, ट से क्या होता है, जो भी पिक्चर आपको अच्छा लगता है वो एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसका पिक मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे. समझ में आया सबको आज की एक्टिविटी, करोगे आप लोग एक्टिविटी कंप्लीट. ओके, आई नो कि आप अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करोगे और मुझे पिक सेंड करोगे, वेरी गुड. ओके, तो आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करना है, समझ में आया. ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय.